तो फीडिया प्रोफेशनल हमको एक टेंडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, ये पीडीएफ प्रोफेशनल है जिसका लिंक आपको मिल चुका है। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोफेशनल ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मतलब इसका हमने आपको फ्री वर्जन के साथ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, पर आप यहाँ से हमने आपको दिया है वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले सकते हैं। डाउनलोड के लिए लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.8 GB का सॉफ्टवेयर है, एक हेवी सॉफ्टवेयर है, भारी है, मतलब साइज ज्यादा लेता है काम करने में आपका, बहुत ही ज्यादा इसमें कमांड्स हैं इसलिए इसकी साइज है वो काफी ज्यादा है, सिस्टम में भी लोड इस पे काफी पड़ रहा है, पर ये एक साथ मल्टीपल काम करता है बहुत ही, जो हम लोग अलग अलग गूगल में जाके सर्च करते हैं उसका वो पूरा का पूरा एक साथ काम कर देता है। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहले देखते हैं एक एक काम क्या है। टेंडर फॉर्मेट इन वर्ड, मान लीजिए एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, 2, 3, 4 अलग अलग स्टेटमेंट है। अभी मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यदि मुझे टेंडर भरना है तो मुझे इसके फॉर्मेट वर्ड में चाहिए, ये जो फॉर्मेट है ये मुझे किस में चाहिए, वर्ड में चाहिए। तो वर्ड में चाहिए तो मुझे क्या करता हूं मैं, इसको हम चाहेंगे इसको गूगल क्रोम में खोलेंगे और उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते, पर ये सभी काम एक साथ पूरा का पूरा कर लेता है, कैसा, ओपन विथ पीडीएफ प्रोफेशनल। देखो ये पीडीएफ प्रोफेशनल ओपन हो गया, यदि हमने खोला इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें फाइल में जाना है मुझे और इसको सेव एज करना, सेव एज करके कहां पे, डेस्कटॉप में डाउनलोड कर देते हैं इन वर्ड और इसको सेव कर देते, सॉरी इसको फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, पीडीएफ नहीं, इसको यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट है, मैं इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट में कर सकता हूँ, पीडीएफ में कर सकता हूँ, एक्सेल में भी कर सकता हूँ, वर्ड में कर सकता हूँ, जिसमें चाहिए आप उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मुझे इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डॉक फॉर्मेट में दे देता हूँ और इसको सेव, बहुत ही फास्ट करता है, एकदम कम टाइम लेगा, विदाउट एनी इंटरनेट, कोई कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री, एकदम आपको फुल वर्जन के साथ आपको मिलता है। ये आपको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, अभी हम लोग देखेंगे, ये देखो वर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं वर्ड में कन्वर्ट कैसा किया है, प्रॉपर किया है या कुछ मिस्टेक किया है, तो देखो एकदम प्रॉपर वे से कन्वर्ट किया है, कोई मिस्टेक्स नहीं, सिर्फ उनके रिजोल्यूशन जो पीडीएफ है उनका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, आप कोई फोटो निकालोगे और उसको वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सेकेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मराठी या हिंदी जैसे लैंग्वेज को प्रॉपर कन्वर्ट नहीं करता, उसको भी वो प्रॉपर कन्वर्ट करेगा पर कभी जो फॉन्ट में टाइप किया हुआ है वो फॉन्ट आपके पीसी में इंस्टॉल्ड होने चाहिए मराठी के या हिंदी के, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि मराठी में लाखों फॉन्ट्स है और उतना रखना अपने पास पॉसिबल नहीं होता, इसकी वजह से मराठी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, पर इंग्लिश का कन्वर्जन एकदम आपको प्रॉपर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम किसको भी एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट करना है हम इसको एडिट कर सकते हैं प्रॉपर वे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा था वैसा ही कन्वर्ट कर दिया, ये आपको देखो लगेगा ही नहीं, लगेगा कि आपको वर्ड में ही फाइल था, इसको इजिली आप यहाँ पे टाइप कर सकते, नेम ऑफ द वर्क, मुझे वर्क डालना है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन आंगनवाड़ी बिल्डिंग, हम लोग इसके स्टेटमेंट नंबर 1 वर्क हैंडेड या वर्क इन हैंड हम लोग भर रहे हैं, प्लेस कहाँ पे था, मतलब पुणे में, तो पुणे, टेंडर कॉस्ट क्या था, तो टेंडर कॉस्ट था 15 लाख का, कॉस्ट रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, यहाँ पे रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो मेरा अभी बचा हुआ है 3 लाख बचा हुआ है। एप्लीकेशन डेट ऑफ कंप्लीशन, आपका मैंने एंटीसिपेटेड, आपका कभी डेट जो है वो लास्ट डेट कब है खत्म करने का, ये तो मेरा है ये 31 अगस्त 2021 एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्क टेंडर्ड, यहाँ पे हो गया ये सेकंड, ये हमारा पहला हो गया। अभी मान लो कोई है मेरा टेंडर्ड के लिए, हम लोगों ने कोई टेंडर्ड के लिए भी करके रखा है, जो टोटल टेंडर्ड ये पहला हो गया, जो वर्क इन हैंड है
और ये आ रहा है यहाँ पे जो वर्क टेंडर फ्रॉड है, मतलब इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कोई टेंडर भरा है पर उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोगों ने एक टेंडर भरा है अभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग मान लीजिए, हमने अभी तक टेंडर भरा है। कहाँ पे भरा है? ये कोल्हापुर में भरा है। कितने का था ये? इसका टेंडर कॉस्ट ये आपको अभी नहीं डालना है, अभी आपको यहाँ पे डालना है। कितना है एस्टिमेटेड इसका कॉस्ट? कितना है इसमें रिकॉर्ड है इसका? 6.5 लाख। ठीक है, 6.5 लाख। अभी ये डेट व्हेन डिसीजन इज एक्सपेक्टेड, अभी आपको लग रहा है ये डिसीजन इसका कब होगा? इसका डिसीजन 1 अगस्त को आने वाला है 2021। और कब इसका वर्क कंप्लीशन कितने दिन का है? अभी है वर्क कंप्लीशन इसका 31 दिसंबर 2021। ये हमारा है। रिमार्क्स में कुछ डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे हम लोग इजीली देखो इसको भर दिए, तो पहले ये पीडीएफ में था, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम आपका यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ वर्क है, आप इसको सिमिलर टाइप वर्क को भर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को भर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे टेंडर्स में दिया हुआ था इसकी इजीली एकदम अच्छे से फॉर्मेट में, जैसा फॉर्मेट में था वैसे ही उसने कन्वर्ट कर दिया। आपको लगेगा भी नहीं कि अभी ये पीडीएफ में हुआ करता था, ये एकदम प्रॉपर वे से कहीं पर भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, जिधर आपको लगता है उधर आप इसको एडिट सकते हो। इसका ये पहला काम है इसको पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर देना। सेकंड काम क्या है इसका? और अभी मान लीजिए मेरे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है, तो ये टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, ये ही मान लो ये जो मेरा फाइल है ये सब टेंडर के मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने भरा है और इसको पीडीएफ में डाल दिया। अब ये छोड़ के मुझे और भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं पीडीएफ के, तो उसका मेरा दूसरा पीडीएफ फाइल है तो मुझे उसको मर्ज करना है, तो मैं मर्ज कर सकता हूँ। कैसे मर्ज करूंगा? तो इसके लिए अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में जो कौन सा पीडीएफ फाइल आया है और कौन सा पीडीएफ फाइल नहीं आया है। यहाँ पे और एक अच्छी इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, व्यू में जाओ, उसको डॉक्यूमेंट असेंबली में क्लिक करो। अभी आपको इजीली समझ में आ रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चाहिए। तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज में जाएंगे, इंसर्ट, और भी कोई दूसरा पीडीएफ फाइल है और उस पीडीएफ फाइल में मेरे पास सभी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे टेंडर फीस और ईएमडी का एक है जो मैंने टेंडर भरे थे, उसको टेंडर फीस और ईएमडी का रिसिप्ट अपलोड करना है, इसमें ऐड करना है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। कहाँ पे? अभी ये पूछ रहा है सब पे चाहिए, हाँ कहाँ पे चाहिए, कौन से लोकेशन पे आपको ये पेज को ऐड करना है? तो मुझे फर्स्ट पेज में ऐड करना है, तो कहाँ पे? फर्स्ट पेज पे डाल दो और इसको आफ्टर बिफोर। पहला पेज पे चाहिए तो एक पेज से पहले यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये पहला पेज अभी जो आएगा पीडीएफ वो पहला पेज में आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पेज देखो यहाँ पे आ गया, ये मेरा टेंडर फीस और ईएमडी का आ गया। आप बड़ा करके थोड़ा देख भी सकते हो जो प्रॉपर आया कि नहीं, आ गया है। यहाँ पे आपको छोटा बड़ा करने को भी ऑप्शन है, और भी छोटा करना चाहते हो और भी छोटा हो जाएगा, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हो आप तो हम और भी कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज में जाएंगे, इंसर्ट। इसकी दूसरी और एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि आपका मान लो ये टेक्निकल में, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट्स में एक टेंडर का पूरा फाइल उठाता हूँ तो आपको समझेगा। ये मान लो टेंडर नोटिस है और इसका पूरा फाइल ही मुझे पीडीएफ में चाहिए, ओपन करते हैं। पर इसका इसकी कितना है? 14 पेज का फाइल है, ये कितना है? 14 पेज का फाइल है, पर मुझे सभी पेज नहीं चाहिए। अभी वही वाला फाइल खोलता हूं मैं, यहां पे दिखाता हूं पहले टेंडर नोटिस। ये पीडीएफ जो है 14 पेज का है, तो मुझे इसमें सब पेज नहीं चाहिए। मेरे काम का जो पेजेस है वो है मान लीजिए एज एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये सब पेज ऐड कर दिया हूं, तो मुझे यहां से ऐड करना है पेज 13 नंबर, 13 नंबर पेज ऐड करना है। मान लो सिर्फ मुझे 13 नंबर पेज ऐड करना है, तो यहां से मैं डायरेक्टली सिर्फ 13 नंबर पेज ही ऐड कर सकता हूँ। सब पेज सब करना है, ऑल कर दो, सब पेज आ जाएगा। यदि आपको इसमें पर्टिकुलरली कोई पेज ऐड करना है तो यहाँ रेंज डाल दो कौन सा पेज ऐड करना है। तो मुझे 14 पेज का टोटल पीडीएफ फाइल था, मुझे सिर्फ 13 नंबर पेज ही ऐड करना है, तो सिर्फ 13 नंबर। अभी पूरा का पूरा पीडीएफ ऐड नहीं होगा, सिर्फ एक ही पेज ऐड होगा। या फिर आपको लगता है कि दो पेज चाहिए, मुझे 12 से 13 पेज चाहिए, दो पेज,
कहां पे ऐड करवाना है आफ्टर, मान लो पेज नंबर, या फिर लास्ट पेज के बाद, लास्ट पेज के बाद ऐड कर दो, ओके कर दो, 8 और 9 नंबर पेज ऑटोमेटिक, सिर्फ 2 ही पेज ऐड हो गया, पूरा पीडीएफ का पूरा फाइल ऐड नहीं हुआ, ये एक अच्छा है इसका। तो आप कोई भी पीडीएफ को उठा के पर्टिकुलर वही डॉक्यूमेंट्स उठा के डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ सकते हो, जो जनरली गूगल में कहीं पर भी ऐसा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। इसको इमेज में कन्वर्ट करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, तो ये एकदम प्रॉपर है पीडीएफ टू वर्ड। कोई पीडीएफ को आप मर्ज कर सकते हो, पर्टिकुलरली कोई पीडीएफ का उतना ही डॉक्यूमेंट्स उठा के यहाँ पे ला सकते हो। इसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है, इसमें पेज नंबर डाल सकते हो, बहुत सारे टेंडर में अपने को पेज नंबर डालना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, हेडर एंड फुटर, एड हेडर एंड फुटर, यहाँ पे आपको मिलता है पेज नंबर, यहाँ पे सिलेक्ट मैक्रो करो, पेज नंबर पे चले आ जाओ, कहाँ पे आपको पेज नंबर डालना है, पेज नंबर कहाँ पे डालना है, हेडर में डालना है या फुटर में डालना है, मुझे फुटर में डालना है, मान लो नीचे डालना है, हेडर मतलब ऊपर, तो मुझे कहाँ पे सेंट्रल में डालना है, लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, सेंटर में डालना है, नीचे के सेंटर मतलब मैं यहाँ पे पेज नंबर डालना चाहता हूँ, कैसा पेज नंबर आपको डालना है, सेटिंग कैसा पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर में जाओ, वन ऑफ एन जाना है, पेज नंबर होगा वन ऑफ एन, कैसा आपका फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे पेज नंबर पेज वन ऑफ वन, वन ऑफ टू ऐसा आना चाहिए, इसको ओके कर देंगे। और पेज स्टार्ट कहाँ से करेगा, यदि स्टार्ट 2 नंबर से करना है तो 2 नंबर से भी आप स्टार्ट करवा सकते हो, ओके। तब पेज नंबर कहाँ पे आएगा मेरा, नीचे यहाँ पे इस जगह पे आएगा, इंसर्ट मैक्रो, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा, वन ऑफ नाइन, वन ऑफ टू, अप्लाई टू मल्टीपल, ये वाला फाइल का फॉर्मेट है, ओके इसको ओके कर दो, ये पेज पे ऐड हो जाएगा। देखो नंबर, अभी मुझे पेज नंबर देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल पेज पे चले जाए, व्यू को अभी बदल दिए, सिंगल पेज, सॉरी देखो यहाँ पे 2 of 9, सेम जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाने का भी ऑप्शन है, देखो 3 of 9, 3 of 9, ऐसे हर एक में पेज नंबर ऐड हो गया। तो इसमें क्या ऐसा होता है, अभी आपको कोई और पेज ऐड करना है तो तुरंत इसको पेज नंबर को बदल भी सकते हो, जैसे मुझे और भी कोई पेज ऐड करना है, मुझे बाद में पता चला कि टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में ये पेज मिस हो गया मेरा, तो मुझे और भी टेंडर में कोई फाइल में और भी कोई डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है, तो मैं और भी फाइल को ऐड, अभी इतना सारा और भी मैं फाइल को ऐड करना चाहता हूँ, इतने सारे एक साथ पीडीएफ को मर्ज करना चाहता हूँ, ओपन करो, कहाँ पे डालना चाहते हैं, लास्ट पेज के बाद, ओके, और भी फाइल ऐड होगी, व्यू में जाओ, डॉक्यूमेंट असेंबली, अभी पेज नंबर बाकी के पेज पे तो नहीं आएगा, ये सब पेज पे नहीं आएगा, और ये पेज बराबर नहीं है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो 10 नंबर और 11 नंबर को मुझे रोटेट करना है, ये ऐसे फॉर्मेट में मुझे 90 डिग्री एंगल में घुमाना है, तो मैं घुमा भी सकता हूँ, कैसे, पेज यहाँ पे रहेगा रोटेट क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सिलेक्टेड पेज जो सिलेक्ट किया हूं वही 90 डिग्री पे घुमाओ, ओके करो, ये 90 डिग्री पे घूम गया, पर यहाँ पे इसको पेज नंबर नहीं है, तो अभी मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट इसको अपडेट कर देंगे, पेज नंबर बदल जाएगा, हेडर एंड फुटर, अपडेट हेडर एंड फुटर, अपडेट पे जाओ, ओके करो, यहाँ पे इसको ओके करो, अभी देखो हर एक पेज पे यहाँ पर भी पेज नंबर आ चुका, इसको बड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा आया क्या पेज, अभी डायरेक्टली अपने ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, बीच में भी कोई डाउट हो गए तो भी वो अपडेट हो जाएगा, पेज नंबर ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा, तो ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको मिलता है, पेज नंबर हो सकता है, पेज को रोटेट कर सकते हो, कोई भी पीडीएफ को मर्ज कर सकते हो, मल्टीपल पीडीएफ इमेज को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, उसके बाद भी और एक फैसिलिटी यहाँ पे है कि आपको कोई पेज नंबर घुमाना है, अभी मुझे लग रहा है कि 10 नंबर पेज मुझे 2 नंबर पेज के बाद चाहिए, तो 10 नंबर पेज पे क्लिक करो और 2 नंबर पे ड्रैग कर दो, 10 नंबर वाला पेज तीसरे नंबर पे आ गया, ऑटोमेटिकली आपको जो पेज चाहिए, 7 नंबर वाला पेज मुझे 5th नंबर पे चाहिए, 4th नंबर के बाद चाहिए, उठाओ ड्रैग करो, 4th के बाद ये पेज नंबर आ जाएगा, तो इजीली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पेज नंबर को इधर से उधर भी लेके जा सकते हो। इसके छोड़ के भी और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे कि आप कोई भी हाईलाइट वगैरह कर सकते हो, ये फिर अपने हिसाब से आप देख सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप का ऑप्शन है, कोई पेज को क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं, ये फिर आपके आपके एक्स्ट्रा फीचर्स है, टेंडर्स के लिए जनरली जो यूज होने वाला है वो यूज के लिए मैं आपको वो कमांड आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये पेज को सेव करना है, तो फाइल में जाओ, सेव एज डेस्कटॉप, मैं इसको डालता हूँ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल
डॉक्यूमेंट्स, मैंने बताया था जब मेरा पीडीएफ का ओरिजिनल फाइल बनेगा टेंडर के लिए विदाउट स्पेस रहेगा, सेम ये पूरा फाइल सेम हो गया, देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ओपन करो, सब पेज आपका मिल जाएगा, हर एक में पेज नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। बोलिए क्या डाउट्स है इसमें तो बताइए। हाँ गायकवाड़ सर बोलिए। सर ये जो पीडीएफ कन्वर्टर है कहाँ से डाउनलोड किया वो मुझे बता सकते? मैं आपको लिंक भेज दिया हूँ व्हाट्सएप में, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये जो आपने सीरियल वाइज जो बताया अभी, हाँ, इसमें कौन से अभी बताया जो सिस्टम वाइज एक साथ पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को एक साथ रख सकते हैं, हाँ, और कहाँ पे ड्रैग करके वो सीरियल वाइज भी चेंज कर सकते हैं उसको, हाँ, हाँ, और उसको दूसरे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इसमें भी कन्वर्ट कर सकते, राइट ना? यस यस। अच्छा अच्छा लेकिन इसमें जो ये जो है कहाँ से कन्वर्ट करते हैं इसमें? कहाँ से कन्वर्ट करते हैं मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं ये पूछते हैं ना। फाइल में जाओ, यहाँ पे सेव एज करो, सेव एज करके यहाँ पे सिस्टम का फॉर्मेट आएगा, जो फॉर्मेट में चूज करना है वो फॉर्मेट चूज करो और इसको सेव कर दो, तो आपका वो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपके टेंडर के जो काम है उसको अभी वो सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर देगा। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है कैसे भी फॉर्मेट में बोले दो, डॉक्यूमेंट्स को वो 2 मिनट में तैयार करके छोड़ देगा। मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा एक टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। मुझे पता चला कि ये पेज नंबर, ये पेज और ये पेज रिपीट हो गया, 2 बार आ गया टेंडर का, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करो और इसको डिलीट, तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट कौन सा सिलेक्टेड, रेंज भी कर सकते हो, करंट पेज भी कर सकते हो। ओके, ये पेज डिलीट हो जाए, देखो ये पेज डिलीट हो गया, एकदम इजी है। तो एकदम इजी तरीके से आप टेंडर का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका काम इजीली कर सकते, ये पीडीएफ प्रोफेशनल के काम से टेंडर डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए एकदम यूजफुल टूल्स है। और कुछ किसी को डाउट्स है, कुछ पूछना है इसमें बोलिए। इंस्टॉलेशन में किनको प्रॉब्लम हो रहा था? मैडम को रार फाइल का भी चाहिए था, मैडम को रार फाइल का भी दिखा देता हूँ, नो करता हूँ। रार फाइल यदि आपको रार में चाहिए तो रार में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपके मैडम के डाउट्स दे देता हूँ। ये मुझे पीडीएफ है, अभी मान लो टेंडर में बोला है रार में कन्वर्ट करना, तो राइट क्लिक करो, इसको एड टू रार में डाल दो, ये रार में कन्वर्ट हो, अब ये फाइल को अपलोड के लिए चला जाए। पीडीएफ में बोला है तो पीडीएफ, रार में बोला है तो पीडीएफ को रार में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, रार में कन्वर्ट हो गया। रार में यदि आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे जाओ, विन रार का वेबसाइट खोलो। यदि आपके सिस्टम में यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बुक का जो सिम्बॉल है ये नहीं आ रहा है, तो आपके सिस्टम में रार का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो विन रार का वेबसाइट क्रोम में जाने का और यहाँ पे विनरार ट्रायल करो, विनरार के बाद यहाँ पे डाउनलोड विनरार मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो आ जाता है। जनरली आपका जो सिस्टम होता है वो जनरली 64 बिट का ही होता है, 32 बिट का भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा आपका सिस्टम 32 है 64 है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, माई कंप्यूटर मिलता है दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे आपको लिखा रहता है आपका सिस्टम कितना बीट का है, ये देखो सिस्टम 64 बीट का है मेरा, तो मुझे 64 बीट का सिस्टम इंस्टॉल करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ 32 और 64 है, 64 पे क्लिक कर दो और यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। 3.2 MB का फाइल है ये, आपका डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बोलिए मैडम, बोलिए आपके क्या है, आपका डाउट्स है? नहीं सर, शायद मेरे लैपटॉप में विनरार का फाइल नहीं होगा, इस वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का प्रोसेस बताया,
इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक, इंस्टॉल होने के बाद डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी फाइल पे क्लिक करेंगे आपको ऐसे बुक के सिंबल आएंगे और ऐड टू डार करेंगे डार हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका दूसरा डाउट था वो क्लियर है, आपका इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ वो रार फाइल का ही था ना वो, अच्छा उसके वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, रार फाइल हो जाएगा तो वो ओपन भी हो जाएगा। लाइकवाइज सर बोलिए। सर ये पीडीएफ का लिंक आपने भेजा है लेकिन मुझे यहाँ पे ऑनलाइन न्यूज टेंडर बैच में मिल नहीं रहा है लिंक। मिल नहीं रहा है मतलब क्या हो रहा है? नहीं व्हाट्सएप ऑनलाइन न्यूज टेंडर बैच इस पे डाला है ना आपने? हाँ ग्रुप में डाला है लेकिन मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। सर देखो ऊपर में सबके लिंक्स है, थोड़ा सा देखिए वहाँ पे है पीडीएफ प्रोफेशनल, पीडीएफ कन्वर्टर्स प्रोफेशनल करके सबने डाउनलोड किया है। अच्छा पीडीएफ प्रोफेशनल न्यू रार बता बात। हाँ ये भी है वही। अच्छा वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए, थोड़ा बड़ा फाइल है और फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ 1.5 GB हो थोड़ा। हाँ यस। और एक क्वेरी थी। हाँ जो क्या पीडीएफ साइनर जो है वो मैंने डाउनलोड करके लिया है और रजिस्टर भी कर लिया है। हाँ, की डाल के। हाँ, लेकिन उसमें जो साइनर है वो लेफ्ट साइड राइट साइड थोड़ी सेटिंग का मुझे बता सकते तो? हाँ मैं बता। देखो ये पीडीएफ साइनर है, इसका क्रैक वगैरह सब कुछ दे दिया हूँ, सबके सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये भी ये जनरली यदि आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक का ये सॉफ्टवेयर है, पर आप इसको ये पीडीएफ साइनर का सॉफ्टवेयर है जो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को है। टेंडर में कभी कभी ऐसा टर्म्स एंड लिखा रहता है कि टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को पहले डिजिटली साइन करो और फिर उसको अपलोड करो, तो ऐसे कंडीशन में अपने को वो डिजिटली साइन करना ही पड़ता है। तो डिजिटली साइन कैसे करेंगे मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा, रिपीट करो। इसके लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ये दोनों मैंडेटरी है। डिजिटल सिग्नेचर के बगैर कभी भी डिजिटल नहीं होगा साइन। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल सिग्नेचर को। आप लोगों को ड्राइवर से तो बता दिया हूँ, जो भी आप कंपनी का करेंगे उसके ड्राइवर आपके सिस्टम में होना चाहिए। जैसे मेरा ये पास ईपास का है तो ईपास का ड्राइवर मेरे पास होना चाहिए। लॉगिन, मेरे पास इसका ड्राइवर इंस्टॉल। अभी मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल साइन करना, मान लो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल साइन करना, तो मैं यहाँ से एक तो सोर्स फाइल लेके इसको यहाँ से जहाँ पे है फाइल उसको लिंक कर सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे ऐसे भी इसको उठा के डाल सकता हूँ। दूसरा प्रोसेस है कि दूसरा ये प्रोसेस है कि ये फाइल को पीडीएफ फाइल को ड्रैग करो और यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप करो, दोनों प्रोसेस में आप कोई भी प्रोसेस कर सकते। साइनिंग रीजन मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा। यदि यहाँ पे आपने दे दिया है अभी नेक्स्ट जब साइन कर रहे हैं तो आपको नहीं चाहिए तो रिस्टोर डिफॉल्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो चला जाए। तो यहाँ पे अदरवाइज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ आई एम द ऑथर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। साइनिंग लोकेशन कहाँ से है तो पुणे, मैंडेटरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते। इसके बाद जाना है आपको सिलेक्ट द डिजिटल सर्टिफिकेट, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। तो एक यहाँ पे दो सर्टिफिकेट आ रहा है, दो सर्टिफिकेट क्यों आ रहा है क्योंकि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें दो सर्टिफिकेट, एक सिग्नेचर है और एक इंक्रिप्शन है, तो मुझे साइनिंग से ही करना है। यदि इंक्रिप्शन चूज हो गया फर्स्ट बार में नीचे वाले से चूज कर, यदि इसमें साइनिंग नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरे वाले सर्टिफिकेट से क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरली मुझे उसका डिटेल्स भी आ जाता है, कौन से कंपनी ने इशू किया, क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ यहाँ पर भी दिख जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्मार्ट कार्ड के पिन पे टिक करना है और यहाँ पे उसका डिजिटल सिग्नेचर का जो आपका टोकन है उसका पिन डालना है। पिन डाल दिया, इसको ओके करेंगे। सिग्नेचर, अभी यहाँ पे सिग्नेचर अपीयरेंस विजुअल सिग्नेचर बॉक्स ये टिक मार्क होना चाहिए। सिग्नेचर अपीयरेंस पे जाओ, यहाँ पे कौन से पेज पे सिग्नेचर करना है, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऑल पेज, मुझे सब पेज पे करना है ऑल पेज। कहाँ पे सिग्नेचर करना है, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट,
तो मुझे नीचे लेफ्ट साइड में करना है, तो बॉटम लेफ्ट हो गया। ग्रीन टिक चाहिए क्या, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर में ग्रीन टिक होता है, तो वो चाहिए क्या, चाहिए तो इसको यहाँ पे टिक मार्क कर देने का, तो ये ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिग्नेचर पे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, लोकेशन चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, सिग्नेचर डेट चाहिए। और आप कभी कभी क्या बोलता है कोई कोई कि मुझे साइंड बाय ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, साइंड बाय, लोकेशन, रीजन, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए लेबल्स में, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ से फिर लोकेशन निकाल देता हूँ, साइनिंग डेट भी निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, साइंड बाय कौन किया, ये लेबल्स भी आप डाल सकते हो ऑटोमेटिकली, तो लेबल आ जाए, ओके। और इसको अप्लाई सिग्नेचर। अब ये देखो दूसरा एक नया फाइल बनाएगा, ये देखो नया फाइल बनाया साइन बोल के, और वो डिजिटली साइन होके आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे देख लेगा साइन बोल के लिखा हुआ है, तो ये देखो डिजिटल साइन कर देगा। साइन कर दिया, थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो बड़ा करके देख सकते हैं, इसमें सब लिखा रहेगा, हमने क्या किया साइन बाय, तो साइन बाय लिख दिया, ठीक है, ये सब्जेक्ट वगैरह लिख दिया, पूरा डिटेल्स आ गया, पोस्टल कोड के साथ पूरे डिटेल्स के साथ आपका साइन कर दिया। अभी यहाँ पे हर एक पेज पे कर देगा, जो चाहिए इसमें से जो चाहिए वो टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो हर एक पेज पे साइन किया है इसने, बॉटम लेफ्ट बोला है, इसलिए ये पेज थोड़ा रोटेट है, इसलिए ऐसा दिख गया, रोटेट पेज होने की वजह से आपको प्रॉब्लम दिया, तो हर एक पेज पे एकदम प्रॉपर करेगा, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे सर अभी ये ग्रीन टिक नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों पर आप लोगों के रहते हैं ग्रीन टिक, जनरली ग्रीन टिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रीन टिक की जरूरत तभी पड़ती है जब इसकी प्रिंट आउट की जरूरत हो, यदि आपको इसका हार्ड कॉपी सबमिट करना है तो ग्रीन टिक लगेगा, तो अभी मैं बता देता हूँ ग्रीन टिक कैसे करना है। ग्रीन टिक के लिए एडोब रीडर डीसी होना चाहिए, राइट क्लिक करो, ओपन विथ, इसको एडोब रीडर डीसी में क्लिक करो, एडोब रीडर डीसी, एडोब रीडर 11 नहीं, एडोब रीडर डीसी, डीसी में जाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डिजिटल सिग्नेचर ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो नीचे के पेज में हो जाएगा, नहीं हुआ है तो मैं आपको तब भी बताता हूँ कैसे इसको ग्रीन टिक में कन्वर्ट करने का। हो गया, इनकेस नहीं हुआ तो आपको इस पर टिक करना है, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जाना है, यहाँ पे लास्ट में मिलेगा फोर्थ नंबर ट्रस्ट, ट्रस्ट में जाना है, एड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, ओके, यहाँ पे हर एक पे उसको टिक मार्क कर देने का, जो भी मिलेगा उसको टिक मार्क कर दो, इसको ओके कर दो, वैलिडेट सिग्नेचर, वैलिडेट करो और क्लोज करो, ये ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाए। ये प्रोसेस है डिजिटल सिग्नेचर का, जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा और फिर से मैं दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में खोलूंगा तो ये फिर से ग्रीन टिक में ही रहेगा, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल कभी भी सेव नहीं होता है। ग्रीन टिक में चाहिए तो एडोब रीडर डीसी में खोल के आप ग्रीन टिक कर सकते हो जस्ट फॉर प्रिंट आउट। कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलिएगा एक बार सर। मुझे पहले जो डाउट था इसमें किसमें एमआईडीसी के इसमें इतना वो रह गया है सिर्फ, बाकी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और मैं लॉगिन कर रहा था एमआईडीसी में, जो पीडब्ल्यू जो डॉक्यूमेंट्स है पीडब्ल्यू की, आप बोल रहे कि वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, मैं रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा क्या है पैन कार्ड और जीएसटी वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके साथ साथ तो जो डॉक्यूमेंट बताए गए उसमें से एक कौन सा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी कौन सा और एक डॉक्यूमेंट बताया गया है वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है और वहां पे जाके वहां पे फाइनल सबमिट करके रजिस्ट्रेशन होगा प्रोसेस एमआईडीसी का, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुझे मेरे पास पैन है जीएसटी है लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है ऑलरेडी, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जो जो बोला है सब लगेगा, डॉक्यूमेंट्स आप कहीं पर कोई भी डॉक्यूमेंट स्किप नहीं कर पाते, ये आपका इनिशियल प्रोसेस है,
यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपका उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा। ये सब आपको फिर से जाना पड़ेगा उनके ऑफिस में और सबका हार्ड कॉपी वहां पे दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के बाद सब वेरीफाई करने के बाद ही आपको वहां का आपको MIDC का पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे वो। अविनाश सर समझे क्या? ठीक है बोलिए, बाकी और डाउट्स है कुछ? अक्षय सर? नहीं सर मेरा कोई डाउट नहीं। ठीक है फिर मैं इसके वीडियोस रिकॉर्ड अपलोड कर देता हूँ, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब के चैनल में भी ये डाल दूंगा तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके थैंक यू। ठीक है चलो, कुछ रहा तो बताओ, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं आपको वहां पे आपको अपडेट करवा देता हूँ। ओके ओके थैंक यू सर। ठीक है फिर मीटिंग क्लोज करूँ।